अपना प्रभाव है इसलिए जीत रहे महागठबंधन में इसलिए उनको ज्यादा भी कुल वोट देंगे? कभी डॉक्टर भी जाता है उसको देखवा देते हैं जरी भोजन करवा देते हैं प्रेम से बोलते हैं यही है, और क्या बात है वोट तो बहुत आया पहले कपड़े छापड़ी बहुत ज्यादा वोट आया है तो इसमें भी मतलब जनता कुछ जागरूक हो रही है कहने का मतलब मोकामा विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं ऐसे में राजद प्रत्याशी नीलम देवी सत्रह हज़ार लगभग मतों से सोनम देवी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी उन्हें पराजित भी कर चुकी हैं हम जानने आए हैं जनता का मूड मोकामा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से हम आपको लोगों से रूबरू करवा रहे हैं बातें कर रहे हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इनके जीत के पीछे जो लगातार मार्जिन उनका बढ़ता जा रहा है उनका मत प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा है तिरपन फीसदी से भी अधिक मत अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को आए हैं जबकि भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी को बयालीस लगभग तैंतालीस ता, फीसदी मत ही प्राप्त हो सके हैं हालांकि इस बार एक चीज़ ज़रूर देखने को मिला है कि जो पिछली दफा अनंत सिंह पैंतीस से अधिक मत से चुनाव जीते थे उसका मार्जिन घटा है और सत्रह हज़ार के आसपास मतों से नीलम देवी चुनाव जीती हैं लेकिन चुनाव फिर भी अनंत सिंह की पत्नी ही जीत गई आपको क्या लगता है ये महागठबंधन में जो सात पार्टियां थी उसके कारण से ऐसा हुआ या अनंत सिंह का अपना प्रभाव है इसके कारण से ऐसा हुआ किस कारण से लगातार जीत रहे हैं अनंत सिंह अनंत सिंह का अपना प्रभाव है इसलिए जीत रहे हैं और महागठबंधन में इसलिए उनको ज़्यादा भी कुल वोट किए हैं उमझ के और उनका अपना एक अलग छवि है इसलिए वो जीत रहे हैं बीजेपी का भी मत प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है बीजेपी को अभी तक अनंत सिंह जितने चुनाव लड़े उनके विरुद्ध किसी को इतना मत अभी तक नहीं आया था तिरसठ हजार मत जो पराजित हुए हैं सोनम देवी को भी तिरसठ हजार मत आया है आपको क्या लगता है कि फिर बीजेपी को कहाँ से मत प्राप्त हुआ जो पढ़े लिखे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं वो बीजेपी के दिए जो गरीब गुरबा आदमी है वो, वो अनंत सिंह को वोट किया क्यों गरीब गुरबा आनंद सिंह को क्यों वोट करता है उसे क्या उसको क्या लगता है कि आनंद सिंह उसको क्या क्या दे देंगे उसको क्या देंगे कभी डॉक्टर भी जाता है उसको देखवा देते हैं जरी भोजन करवा देते हैं प्रेम से बोलते हैं यही और क्या बात है ये चीज चुनाव जब भी जो चुनाव चल रहा था उस दौरान भी हमने लोगों से जब बातें की थी तो ये सामने आया था कि अनंत सिंह का जो शैली है जो उनका अंदाज है इसके लिए लोग उनके करीब रहते हैं और आपको क्या लगता है ये जो चुनाव हुआ इस चुनाव में जो नीलम देवी ने स्पष्ट रूप से पराजित किया काफ़ी बड़े अंतर से हराया भाजपा प्रत्याशी को आपको क्या लगता है हमें की बोलियो हम आपको राजनीति कर रहे हैं नहीं राजनीति आप नहीं करते हैं आपको आपको राजनीति नहीं करते हैं ये तो जनमानस की बात हम कर रहे हैं ना कि आनंद सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं कैसे जीत जाते हैं उनको कैसे मत मिलता है क्यों उन, उन उनसे लोग जुड़े हुए हैं उनके स्वभाव से उनके प्रभाव से उनके बाहुबल से कैसे जुड़े हुए हैं लोग उनका अपना छवि है अच्छा आपने मत दिया था इस बार वोट दिया था गया था था कि नहीं नहीं आपने वोट वोट को दिया था, इस बार वोट देने गए हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या मुद्दे थे वोट देने गए थे तो आपके मन में क्या मुद्दा तो था मुद्दा हम दे बात खत्म है दे दिए बात खत्म हाँ। तो ऐसे मतदाता है जो दे दिए बात खत्म हो गई तो ऐसे ऐसे लोग क्या लगता है आपका क्या नाम है आपका धन कुमार सत्रुधन, सत्रुधन तो सत्रुधन जी आनंद सिंह ये बार-बार जो चुनाव जीतते हैं कैसे जीत जाते हैं तो हम को नहीं पता वोट दिया इस बार हाँ दिया दिए थे कहाँ घर है हथ लगा हथ लगा और तो कई लोग हैं अपने-अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं समझ में लोगों को दरअसल आ नहीं रहा है कि वो जीत कैसे जाते हैं जो एक सज्जन बता रहे थे कि उनके अंदाज से लोग उनसे प्रभावित हैं वो लोगों से जाते हैं लोग जब भी उनके पास तो अच्छी तरह से बातें करते हैं इसलिए वो चुनाव जीत जाते हैं आपको क्या लगता है अच्छा चीज़ अनंत सिंह बार बार चुनाव कैसे जीत जाते हैं अनंत सिंह अपना चुनाव जीत जाते हैं कि वो मान के चलिए कि वही होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपना उनको कुछ हेल्प कर देते हैं उसके बाद वही नाश्ता पानी करवा देते हैं ये लेकर के हमको लगता है कि इससे भी जनता उनको वोट करते हैं और ये। तो बीजेपी को भी बहुत हाँ बो, बहुत तो बहुत आया पहले कपड़े छावड़ी बहुत ज़्यादा वोट आया है तो इसमें भी मतलब जनता कुछ जागरूक हो रही है कहने का मतलब हाँ आने वाले समय में फिर अपना हो सकता है वो भी आ सकते हैं मतलब आने वाले समय में लोगों को ये उम्मीद है कि बीजेपी को भी मौका यहाँ से मिल सकता है लेकिन जो अभी जो रुझान सामने निकल कर आया है उसके अनुसार जो अनंत सिंह लोगों की मदद करते हैं उनके मदद करने का जो अंदाज है उससे लोग प्रभावित हैं एक और सज्जन है इनसे जानते हैं कैसे अनंत सिंह बार बार जीत रहे हैं चुनाव को क्या लगता है उनका व्यक्तिगत छवि अच्छा है, अच्छा भी है। और अनंत अनंत सिंह से नीलम देवी को अगर अलग कर दिया जाए दोनों नाम को अलग कर दिया जाए फिर अगर नीलम देवी चुनाव मैदान में आती तो क्या जीत पाती हाँ जीत जाएगी नीलम तो इसका मतलब नीलम दे, देवी का भी छवि है महागठबंधन हाँ, के कारण हाँ, हाँ. तो आपको क्या लगता है ये महागठबंधन के कारण इन्होंने चुनाव जीता है या अनंत सिंह की छवि नेीता है अनंत सिंह का छवि जीता है अनंत सिंह की छवि ने चुनाव तो लोगों का अलग अलग मत है लोग का स्पष्ट मानना है कि यहाँ जो है वो अनंत सिंह की छवि ही सबसे बड़ी है चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह का नाम ही काफी है और अनंत सिंह का अंदाज़ जो है लोगों से मिलने जुलने का उन उनका काम कर देने का इस अंदाज के कारण अनंत सिंह के नाम से कोई भी प्रत्याशी आ आ जाए उनकी पत्नी इस बार मैदान में थी और तब भी चुनाव जीत गई तो आप देखते रहिए बिहार तक